नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। नव वर्ष के पहले ही दिन सर्व शिक्षा अभियान मिड डे मील और दफ्तरी कर्मचारी ने घरों के घरेलू बर्तन अपने हाथों में लेकर और बर्तनों में पंजाब सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में कर्मचारियों से लगाए गए लारों के पत्र भरकर कैबिनेट मंत्री त्रिपत राजेंद्र बाजवा की जिला गुरदासपुर के कस्बा कादिया में मसूद रिहायश का घेराव करते हुए रोष प्रदर्शन किया। सख्त सर्दी के बीच ये कर्मचारी काफ़ी देर खड़े रहकर प्रदर्शन करते रहे और आखिर में मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार को अपना मांग पत्र देकर वापस चले गए। इस अवसर पर दफ्तरी कर्मचारी यूनियन पंजाब के प्रधान विकास कुमार और प्रदर्शनकारी महिला कर्मचारी सरबजीत कौर ने बताया कि 4 वर्षों के दौरान दफ्तरी कर्मचारी सरकार की हर चौखट पर जाकर फरियाद कर चुके हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षा मंत्री से बैठक भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला से 2 वर्ष तक हर बैठक में कर्मचारियों को यही लारा मिलता रहा कि अगली कैबिनेट बैठक में दफ्तरी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, पर बीती बैठक में शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि जेई पंजाब सरकार द्वारा कर्मचारियों को पक्का करने के बारे में टालमटोल किया जा रहा है। उक्त नेताओं ने कहा कि क्या जेई सरकार से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है और सरकार के वादे के अनुसार नौजवानों का भविष्य सुरक्षित करने पर रुकावट बन रहा है, जबकि ये वादा कांग्रेस सरकार द्वारा अपने मैनिफेस्टो में किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 8,886 अध्यापकों को इसी कांग्रेस सरकार ने पक्का किया था। जब 1,000 दफ्तरी कर्मचारियों को पक्का करने की बात आई तो शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि जेई पंजाब अड़चन पैदा कर रहा है और हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यूनियन सरकार की चालों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है और सरकार से बेहद खपा है। हमें सरकार की नीयत पर शक है। जब तक हमें पक्का नहीं किया जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हाँ जी, पंजाब के 4 जगह से जोन लेवल रैलियां कर रहे हैं। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल बठिंडा के उत्थे साढ़े 4 जिले गए हैं। श्याम सुंदर अरोड़ा हुशियारपुर उत्थे साढ़े 4 जिले गए हैं। पटियाले ब्रह्मिंदरा की कोठी के बाहर असं प्रदर्शन कर रहे हैं नवे साल से, अज असी त्रिप्त नगर बाजवा की कोठी के भी बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये असी उन्होंने अज का एजिटेशन साडा लारियां के भांडे, ये सरकार ने जो लारे दिते हैं उन्होंने भांडे असी भर के इन्होंने जो दिते है कि जी 4 साल से सिर्फ सब लारे ही लाए हैं। तो अच्छ सा तहसील साहब जो मीटिंग गलबात हुई है उन्होंने सू कल टाइम दिता कि तुम कल आ जाओ, तो सीएम सू जी जल्दी मीटिंग करा देंगे, जो रेगुलर का मुद्दा ना वो जल्दी हल करा देंगे। सर, अज का मुद्दा सी कि आप 14 साल तो इतने SSA नॉन टीचिंग यूनियन काम करते पे हैं, पर सानू सरकार जी सुती हुई है रेगुलर नहीं कर रही, जो कि आप काफ़ी लंबे समय तो संघर्ष कर रहे हैं। की हल निकले की हाल सर? यही निकलिया कि जो लॉलीपॉप हर बारी मिठी गोली दी जाती है कि ताकि मीटिंग फिक्स करवावे, मीटिंग की मुद्दा निकलता है वो बाद डिसाइड होएगा। उस तो पर साडा इन्हों ऐलान है कि जे साडा कोई भी मतलब कि सिट्टा नहीं निकलता इस मिट्टी में, तो असं इस संघर्ष में होर तेज करा और इस नवे साल के ही संघर्ष के राह तक तुर पे हैं और अं हूँ अपने पक्के होकर ही पिछे वापस आ रहे। मंत्री साहब नाल गल हुई है और उन्होंने इतने गल कर लिया है और वो कहते हैं कि जमीन नुमाइंदे 5 मैंबर जो वो मेरे नाल इतने आके आ जाए, तो मैं जरा इन्होंने चंडीगढ़ जो मीटिंग जी फिक्स करा जो लैटर दिता बारे लैटर जो मंग पत्र है कि मैं उन्होंने जरा यही पहुँचाना। वहीं प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के गुस्से को शांत करते नायब तहसीलदार अमरजीत सिंह मौके पर पहुंचे और उनसे मांग पत्र लेकर सरकार तक पहुंचाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि मंत्री बाजवा से फोन पर बात हो गई है, जब वो चंडीगढ़ से आएंगे तब उनसे इन कर्मचारियों की मीटिंग करवा दी जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट।